हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई है और आप सबने बहुत सारी मिठाई भी खा ली है। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, बीटरूट का पराठा। जी हाँ, बहुत ही इजी है, हेल्दी है एंड टेस्टी भी है। वैसे तो हम बीटरूट खाना पसंद नहीं करते, बट ये रेसिपी अगर आप ट्राई करोगे तो आपको भी बीटरूट बहुत पसंद आएगा और आप हर हफ्ते में ये पराठा खाना पसंद करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बीटरूट पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। उसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबल स्पून हरी मिर्ची क्रश करके डाली है, 1/2 बारीक कटा हुआ धनिया, 1/2 बारीक कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथ पैर से क्रश करके डालना है, इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है। 1 टेबलस्पून ऑयल। इन सबको 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक हमारा जो प्याज है वो पानी नहीं छोड़ देता। अगर आप डायरेक्टली पानी से गुनना स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो डो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और आपके जो पराठे है वो बेलने में दिक्कत आ जाएगी। सो पहले 3 से 4 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम डालेंगे बीटरूट की पेस्ट। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बीटरूट यूज़ किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गून लेंगे। आटे में हमने बारीक कटा हुआ प्याज डाला था, तो हम जो आटा है वो थोड़ा सख्त गूंद देंगे और उसे हल्का सा पानी और ऑयल लगाकर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इससे हमारा जो प्याज है वो पानी छोड़ देगा और आटा जो है वो अपने आप सॉफ्ट बन जाएगा। अब देख सकते हो हमारा जो डो है वो कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम एक एक करके पराठों को बेल लेंगे और सेक लेंगे। पराठे आप अपने हिसाब से पतले या फिर मोटे रख सकते हो। मैंने यहाँ पराठे सेकते समय घी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी पसंद से ऑयल या फिर बटर यूज़ कर सकते हो।
एक एक करके हमारे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप ये जो पराठे हैं वो दही, अचार या फिर चटनी के साथ खा सकते हो। सबके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।